चीन के साथ चल रहे लद्दाख में सीमा विवाद के दौरान चीन का मित्र देश पाकिस्तान ने एक बार फिर नापाक हरकत की है। आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए पिछले कई दिनों से सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, जिसमें भारत का एक जवान शहीद हो गया, जो पाकिस्तान को एक बार फिर भारी पड़ गया है। भारत ने जवाबी कार्रवाई में मुंह तोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया है। तो वहीं अभी अभी एक खबर आई है कि पाकिस्तान के सेना मुख्यालय के पास बम विस्फोट किया गया है, बहुत लोगों की जान गई है। तो दोस्तों जानेंगे पूरी खबर, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए, ताकि भारतीय जवानों का हर अपडेट आपको मिलता रहे। जम्मू संभाग के कठुआ के हीरानगर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए बार बार गोलाबारी कर रहा है। बुधवार रात करीब 10 बजे पाक सेना ने राजौरी के तरकुंडी सेक्टर में भारी गोलाबारी शुरू कर दी। पाकिस्तान ने भारतीय सेना की अग्रिम चौकियों को निशाना बनाने के साथ रिहायशी क्षेत्रों को निशाना बनाकर मोर्टार दागना शुरू कर दिए। इसी दौरान मोर्टार सेना की चौकी पर आकर गिरा, जिसमें नायक गुरु चरण सिंह निवासी गुरदासपुर पंजाब शहीद हो गए और छुट्टी पर घर आए पुलिस के एक जवान नियामक भूला भी गाँव के हमले में घायल हो गए। पाक गोलाबारी में नक्का पंजग्राही नक्का तरकुंडी में 4 मवेशी मारे गए और कुछ मकानों को भी नुकसान हुआ। इसके बाद भारतीय सेना ने कड़ी जवाबी कार्रवाई कर सीमा पर पाकिस्तान सेना के 5 चौकियां पूरी तरह से तबाह कर दी। इस कार्रवाई में चीन के 5 जवान ढेर हो गए, जिसमें एक मेजर रैंक का अधिकारी भी शामिल है। इसके अलावा पाकिस्तान के कई सैनिकों को घायल होने की भी खबर है। बुधवार को मुखी खाने के बाद पाक सेना ने गुरुवार देर शाम पूंछ जिले की मेडर तहसील के मनकोट सेक्टर में गोलीबारी शुरू कर दी, जो रात तक जारी रही। कई गोले गाँव में भी आग कर गिरे, जिससे दहशत फैल गई। भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया। रात तक दोनों तरफ से गोलाबारी जारी रही। तो वहीं पाकिस्तान में रावलपिंडी शहर के एक व्यस्त बाजार में शुक्रवार को बम विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 15 अन्य घायल हो गए। यह बाजार सेना मुख्यालय के नजदीक है। प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक विस्फोट सामग्री को बिजली के एक पोल में लगाया गया था। विस्फोट से आसपास की संपत्तियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। तो वहीं धमाके के पीछे का कारण और किसने करवाया है अभी पता नहीं चला है।